इटली इस वक्त उस दर्द का दंश भुगत रहा है जो उसे चाइना के जरिए मिली है। तड़प इतनी गहरी कि तमाम उपायों के बाद भी हर दिन होने वाली मौतों का आंकड़ा सैकड़ों में है। चिकित्सा जगत में जानदार और शानदार सुविधाओं वाला इटली इस वक्त टूट कर बिखर गया है। लेकिन जब सारे अस्त्र फेल हो चुके हैं तो क्या क्यूबा मॉडल को लॉन्च किया गया है? वो क्यूबा मॉडल जो बना ही है महामारी को मात देने के लिए। लिहाजा दोस्तों, हम आपको इस खास इलाज वाले मॉडल से रूबरू करवाएंगे कि आखिर ये कैसे काम करेगा। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो दोस्तों, दुनिया के मेडिकल फील्ड में क्यूबा टॉप 5 देशों में आता है। इस पर जब भी आपदाओं की आफत बरसी तो ये ना टूटा और ना ही बिखरा, बल्कि पूरी जांबाजी के साथ उनसे लड़ा और हर जंग में कामयाब रहा। लिहाजा इस इटली में कोरोना की काट के लिए क्यूबा को उतारा गया है। कोरोना का काल बन रहा है क्यूबा। कोरोना के कहर से क्यूबा ने अपनी रणभेरी पहले ही बजा दी थी। जब दुनिया पर कोरोना का खतरा मंडराया तो क्यूबा पहले की तरह इस बार भी मदद को आगे आ चुका था। चाहे इम्यूनिटी वाले उसकी जादुई दवा की बात हो या फिर एक्सपर्ट डॉक्टर की जाबाज टीम, क्यूबा हर स्तर पर आगे बढ़ इन्फेक्टेड देशों की मदद कर चुका है। पहले वेनेजुएला, निकारागुआ, जमैका, सूरीनाम और ग्रेनेडा में क्यूबा ने अपना कमाल दिखाया है। और अब बारी है इटली के आंसू पोंछने की, जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। क्यूबा को सबसे ताकतवर हेल्थ कमांडोज वाली टीम के लिए ऐसे ही नहीं जाना जाता है। आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि कोरोना की एंट्री यानी चाइना में जब हेल्थ डिपार्टमेंट इसे निपटने की कोशिश कर रहा था, तब चाइना के चाइनीज नेशनल हेल्थ कमीशन ने जिन 30 दवाइयों का सुझाव दिया था उनमें क्यूबा का इंटरफेरोन अल्फा 2b सबसे ऊपर था, जिसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इटली की मदद में सबसे आगे क्यूबा। इटली में उत्तरी प्रांत लोम्बार्डी सबसे ज्यादा संक्रमित है, और जब यहाँ के हालात नियंत्रण से बाहर हो गए तो इटली ने क्यूबा से मदद की अपील की। कोरोना का इलाज मौजूद ना होने की स्थिति में इटली को क्यूबा की याद इसलिए भी आई क्योंकि इसके पास एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास डॉक्टर और दवाई मौजूद है। क्यूबा ने 53 लोगों की टीम इटली भेजी है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में वो 6 मेडिकल टीमें भेज चुका है। क्यूबा ने पहली बार इटली में अपनी टीम भेजी है क्योंकि इटली खुद अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना जाता है। लेकिन कोरोना के सामने उसकी एक ना चली। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इटली ने पहले क्यूबा की मेडिकल टीम वेनेजुएला, निकारागुआ, जमैका, सूरीनाम और ग्रेनेडा में डटे हुए हैं। आईसीयू एक्सपर्ट डॉक्टर लियोनार्डो फर्नांडिस के मुताबिक, वैसे तो खुद क्यूबा को भी कोरोना का डर है, लेकिन संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद करना क्यूबा का क्रांतिकारी कर्तव्य है। लिहाजा डॉक्टर्स ने अपने डर को उतार कर फेंक दिया है। क्यूबा खुद भी कोरोना से पीड़ित है और 35 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 954 नागरिकों पर नजर रखी गई है। डॉक्टर लियोनार्डो फर्नांडिस के मुताबिक, जिसे डर नहीं लगता वो सुपर हीरो होते हैं, लेकिन हम सुपर हीरो नहीं हैं, हम क्रांतिकारी डॉक्टर्स हैं। क्या है क्यूबा की वो चमत्कारी दवा? दुनिया में मेडिसिन की बात करें तो क्यूबन इंटरफेरोन अल्फा 2b दवा किसी जादू की तरह काम करती है। ये कई तरह के वायरस संबंधित रोगों के इलाज में कारगर साबित हुई है। क्यूबा के मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक ये मरीज में वायरस के असर को रोकती है और गंभीर बीमारी का इलाज करती है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्यूबा दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। चाहे मेडिसिन हो या इसके हॉस्पिटल या डॉक्टर, सभी वर्ल्ड क्लास हैं। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी 3 मंजिली इमारत में चलते हैं, जिनमें डॉक्टर और नर्स के लिए रहने की भी सुविधा होती है। यानी मरीज को जरूरत हो तो डॉक्टर हमेशा मौजूद रहें। डेंगू को हरा चुका है क्यूबा। 1981 में जब डेंगू की महामारी फैली थी तो यही इंटरफेरोन कारगर साबित हुई। उस दौरान अकेले क्यूबा के 3,40,000 लोग संक्रमित हुए थे। इसमें से 180 लोगों की मौत हो गई थी। डेंगू को प्रभावी रूप से रोकने में क्यूबा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरफेरोन के इस्तेमाल को मंजूरी दी और इसने वाकई में अपना असर दिखाया। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, लेकिन मौत के मामले उस अनुपात में कम थे। वह 1988 में लगातार 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने मेनिनजाइटिस टाइप बी का वैक्सीन तैयार कर लिया था। इस बीमारी का पहला केस सामने आते ही वो उसकी वैक्सीन को ढूंढने में जुट गया था, क्योंकि टाइप ए और सी के लिए वैक्सीन दुनिया में उपलब्ध थी लेकिन बी के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी।
क्यूबा वैक्सीन बनाने में इसलिए जुटा रहा क्योंकि 1984 में मेनिनजाइटिस टाइप बी इस अमेरिकी देश के लिए गंभीर बीमारी बन गई थी।